जब पिता बॉर्डर में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, जब माँ बाप चंद समय में दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो तथाकथित मित्रों के चक्कर में, तथाकथित मैं तो उनको आतंकवादी की संज्ञा देता हूं जो हमारे देश के नौजवानों को नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि आतंक का सबसे बड़ा हथियार नशा है। तो मैं ऐसे मित्रों से कहना चाहता हूं कि हमारे इन बच्चों के बीच में अगर कोई जहर घोलने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और उसके लिए आपको खुद खड़े होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया नशा उस शहीद को लगने वाली गोली के बराबर है। तो कम से कम अपने शरीर को, अपनी मानसिकता को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, इस समाज की रक्षा के लिए, अपनी उस बूढ़ी माँ, उस 40 साल 50 साल 60 साल की माँ, वो पिता जो अभी भी हो सकता है कहीं लेबरी कर रहा हो सकता है कि सुबह वो भूखे प्यासे जंगलों में जाते हो सकता है कुछ रातें ऐसी भी करती हो जब आप खाना खा के सो जाते हो और माँ पानी पी के भूखे फिर नहीं सूरज की आस में रहती हो। तो मैंने लाखों घरों को देखा है। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया, आपने काफ़ी मतलब अच्छी बातें बताई, इसमें से अगर ज़्यादा कुछ नहीं बस थोड़ा सा भी अपने अंदर अप्लाई करा जाए तो आज जैसे मुझे हिम्मत हुई है वहाँ से आने की, तो काफ़ी सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी हिम्मत ले सकते हैं कि वो जो भी नशा करते तो छोड़ सकें। थैंक यू, जोरदार तालियां। तो इस ह्यूमर को दाग देते हुए हम अपने ह्यूमन राइट्स सेल की तरफ से, इस पहल कार्यक्रम की तरफ से राहुल को कॉलेज का कैप्टन बनाते हैं अपनी टीम का। तो वेल्स अगेन।